देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज 24। तो चलिए चलते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। अध्यापक पात्रता परीक्षा से वंचित किए गए NIOS से DLED डिग्रीधारी। एक और जहां सरकार डिजिटल इंडिया मिशन प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत शिक्षार्थियों को DLED डिग्री प्रदान कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर आज अध्यापक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने बैठे परीक्षार्थियों को आंसर शीट देने के बाद ये कहकर बाहर निकाल दिया गया कि उनका डिप्लोमा मान्य नहीं है। NIOS से DLED डिग्रीधारी परीक्षार्थियों का कहना है कि उनके पास केंद्र सरकार के द्वारा वैध डिग्री होने पर और वैध प्रवेश पत्र होने के बावजूद उन्हें परीक्षा देने से रोका गया है। उनका कहना था कि DIOS ने ये कहकर परीक्षा नहीं देने दी कि आप लोग इस NIOS से प्राप्त डिग्री के आधार पर ये परीक्षा देने की पात्रता नहीं रखते हो। प्रशिक्षु शिक्षकों ने कहा कि जब राज्य सरकार इसे वैध डिग्री नहीं मानती है तो फिर हम लोगों के साथ धोखा क्यों। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों से बाहर निकालने के बाद सभी परीक्षार्थियों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर अपनी आप बीती जिलाधिकारी जालौन डॉक्टर मन्नान अख्तर को सुनाई है। अब ये देखना है कि इन परीक्षार्थियों के साथ सरकार की ओर से क्या बर्ताव किया जाता है। ओम प्रकाश सुदेनिया, ब्यूरो चीफ, बुंदेलखंड, हिंदुस्तान न्यूज 24। क्या नाम है आपका? कहाँ से आई हैं आप? हम जालौन से। आज यहाँ किस लिए आई हैं? हम यहाँ पर, हमको यूपी टेट की परीक्षा से वंचित कर दिया गया है, इसलिए हम अपना ज्ञापन देने साहब के पास आए। क्यों कर दिया गया? उन्होंने ये कहा है कि ये NIOS जो आपकी जो डीएलडी बीटीसी ये अमान्य है। किस कारण? अभी कारण क्या है ये तो किसने किया? ये हमें DIOS सर ने बोला है कि आपकी ये वैलिड नहीं है। आपने उच्च अधिकारियों से बात की? हाँ, हमने बात की। किससे? DIOS सर भगवत पटेल से बात। क्या बताया उन्होंने? ये कहा है कि आपकी, आपको टेस्ट देने का अधिकार नहीं है। तो आपने वहाँ बैठी थी अंदर क्लास में कि नहीं? क्लास में बैठे थे और अपना हमने रोल नंबर भी फिल किया है और हम थोड़ा लेट भी पहुँचे थे। उन्होंने बस रोल नंबर फिल कर पाए थे। उन्होंने कहा NIOS वाले कितने लोग हैं, हम दो लोगों ने हाथ उठाया है तो उन्होंने बस बाहर निकाल दिया। अभी कितने लोग आप लोग आए हो? अभी हम 10-15 लोग। कहाँ पे आए हैं? हम यहाँ DM सर से मुलाकात अपनी ज्ञापन देने आए हैं। किस बात को लेके? हम लोगों को जो है आज यूपी टेट का परीक्षा है, हम लोग उसमें परीक्षार्थी थे और DIOS के निर्देश के अनुसार कॉलेज प्रशासन ने हमको वहाँ से पेपर के बीच के दौरान निकाल दिया ये कहकर के कि आपका डिप्लोमा वैलिड नहीं है। जबकि सर हम जो है CTET, हमारे साथी कुछ पास किए हैं, दो बार हम CTET का पेपर दे चुके हैं। यूपी टेट में हमारा जो है प्रवेश पत्र जारी हुआ, प्रवेश पत्र जारी होने के बाद हमने कॉलेज में एडमिट किए, एडमिट करने के बाद हमने अपने बुकलेट और आंसर शीट में नाम लिख करके लगभग आधा प्रश्न पत्र हल किया। इसके बाद हम लोगों को ये कह करके बाहर निकाल दिया प्रशासन ने कि आपका डिप्लोमा ये वैलिड नहीं है और आप पेपर नहीं दे सकते, आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। ये इस बात को लेकर हम DM सर से अपनी जो है ज्ञापन देने के लिए आप यहाँ पर आए।